नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक की एक और लेटेस्ट और बहुत ही मजेदार डिबेट, जिसमें कैसे पैनलिस्ट बैठ के बड़े बड़े देशों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, इनको खुद को पता नहीं है। इसमें एक हिलाली है जो पूरे वो कह रहा है कि अमेरिका हम पे सेंक्शन लगवा देगा, लेकिन जबकि ये पाक मीडिया में बैठ के डिस्कशन ऐसा करते हैं कि ये काम ही सेंक्शन लगवाने से वाले ही कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हिलाली का दिमाग बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल हिल चुका है और ये अनर्गल अनाप शनाप बातें कर रहा है। और ये कैसे साउथ एशिया में अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक जहाज उतारा है अपनी निगरानी के लिए, तो इसको कैसे ये कह रहा है कि ये तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ये चाइना का नाम आते ही ये बोले नहीं समाते हैं और इनको इनको अपना सब कुछ सर्वे सर्वा माने बैठे हैं चाइना को। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तालिबान की हुकूमत को न कबूल किया जाए, जबकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जिस वक्त काबुल में दाखिल हुए तालिबान तो उससे पहले अमेरिका उनके साथ रابطे में था और अमेरिका ने उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें ये जो जिम्मेदारी थी काबुल के शहरियों की हिफाजत की, जब वो लेने से इनकार किया, यानी इन ए वे उन्होंने तालिबान से एग्री किया कि आप काबुल में आएँ और सबको प्रोटेक्ट करें, और तालिबान ने ये डिलीवर किया। लेकिन अब पाकिस्तान से बिल्कुल आज स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने ये बात कह दी है खुलकर कि तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम ना करे पाकिस्तान, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है इस बात का कहने का? क्यों पाकिस्तान खुद तो रابطे में है, उनसे काम भी ले रहा है, उनको एक तरह से अनऑफिशियली जब आप किसी से रابطे में आ जाते हैं तो उसको रिकग्नाइज ही आपने किया, लेकिन पाकिस्तान को मना कर रहे हैं, क्या वजह है? ये अमेरिकनों को पूछना चाहिए, मैं तो ऐसे लॉजिक का तो कोई आई कांट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। ये तो बेकार है, वो ही कर रहे हैं। देखिए इनकी बुरी आदतें हो गई हैं पाकिस्तान, ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान को कहेंगे हाउएवर स्टूपिड, जितना कॉन्ट्रडिक्ट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान मानना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो मैं अभी पाकिस्तान नहीं माना तो आप क्या करोगे भाई, सैंक्शन करोगे पाकिस्तान को? इसलिए ये जो तालिबान आए हैं ये तो उनकी इजाजत से आए हैं। मैं नहीं कहता अमेरिकन इजाजत, मैं कहता हूं फैसिलिटेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स उनको लाने में, उनसे बात करके उनको रिकग्नाइज किया है, उनको चाबी दिया है काबुल का। तो अब वो कह रहे हैं हमें कि आप ना रिकग्नाइज करें, और हम मान रहे हैं ये बात, हम कह रहे हैं इंक्लूसिव ना। मैंने आपको कितने दफे प्रोग्राम में कहा है ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, भाई आप बोल एक्सक्लूसिव, अब आप क्या एक दो ग्रुप्स तो लड़ गए हैं, बरादर लड़ गया है ये ओल्ड कमांडर्स के साथ, तो आप क्या पाकिस्तान जाके उनको कहेगा नहीं ब्रादर को भी रखो, ओल्ड कमांडर्स को नहीं रखो, फलाने को रखो? इट्स मैड, इट्स कॉन्ट्रडिक्ट्री। मैं समझता हूं हमें वो करना चाहिए जो जो सही है, करेक्ट। और अच्छा, वो करेक्ट ये चीज है कि इनको रिकग्नाइज करो, इनका पावर है, इनका लॉ है, ये इंचार्ज है, ये कंट्रोल करते हैं, देयरफॉर यू मस्ट रिकग्नाइज तालिबान। अच्छा, इसका कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि क्योंकि इस वक्त तालिबान प्रेशर में है, अब अमेरिका ने पैसे रोके हुए हैं और भी जो फंडिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, और इन हालात में इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी तक तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक के निस्बत ज़्यादा इजहार कर रहा है तावुन का, लेकिन अगर डिले होगा रिकग्निशन में अमेरिका के कहने पर तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कोई थोड़ी एक दूरी आ सकती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो सकती है, तो कहीं अमेरिका ये तो नहीं चाहता कि दबाए पाकिस्तान को कि उधर नहीं आपने बात करनी, और मकसद ये हो कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच कोई थोड़ी दूरी पैदा हो? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हो सकता है, और क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है, अगर पाकिस्तान को अमेरिका ऑर्डर कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का ऑर्डर मान रहा है, तो वो कहेंगे यार इनसे बात करना है क्या फायदा, बेहतर हो कि अमरीकनों से ही बात करें। ठीक हो गया, एब्सोल्युटली। हमें हमारा जो पॉलिसी है वो वाजे करना चाहिए,
हमारा पॉलिसी शुड बी ऑन प्रिंसिपल, नहीं कि उनके इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, नहीं कि औरतों के राइट्स, अगर उन्होंने औरतों के राइट्स नहीं दिया तो रिकग्निशन के बाद आप प्रोटेस्ट करें, आप कहें कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, आप रेजोल्यूशंस मूव करें उनके खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको रिकग्नाइज नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं अगर वो औरतों के राइट्स नहीं रिकग्नाइज करें कि उनका अथॉरिटी अफगानिस्तान में कम हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, अपनी वाइफ की ये नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्यादा नहीं चलता है घर पे के, 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 एंड देयरफॉर आपको मानना नहीं चाहिए कि आप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया CNN को, उसमें उन्होंने बड़ा खुल कर किया बहुत सारे मामलात पर, और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि माजी के जो हुक्मरान थे जिस वक्त ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ, उनको बिल्कुल अमेरिका के आगे खड़े होना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं होता उस वक्त तो मैं आई वुड हैव डन दिस, कि मैं कहता कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, और मैं उनका कहने का मकसद ये था कि वो इस बात की इजाज़त नहीं देते। और तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब अभी जो तालिबान के हवाले से जो अमेरिका का प्रेशर है, तो ये तो जैसे आप भी फरमा रहे हैं ये बिल्कुल कोई पाकिस्तान के हक में ये बात नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी भी इस बात पर, जिस तरह वो माजी का हवाला दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अमेरिका को कहें कि नहीं मैं रिकग्नाइज करूंगा तालिबान को क्योंकि ये सही है। क्या कहते हैं आप? समी साहब, मैं तो समझता हूँ बहुत से सारी चीजें उनको कहने थे जो उन्होंने नहीं किया। ये जो औरत उनके सामने बैठी हुई थी ये CNN की, इसको आप कहना था कि बात सुनो बच्चों, बात सुनो, अमेरिका का दोस्त हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान जो है TTP को हथियार देती है, हिंदुस्तान जो है ISIS को फंड, हिंदुस्तान जो है दाइश को ट्रेनिंग देती है, और हम TTP को कत्ल करते हैं, मारते हैं, ISIS को मारना चाहते हैं, दाइश को हम मारना चाहते हैं। अब आप समझ गई हमारा कितना गैप है, कितना फर्क है। अब आप समझते हैं कि हमारा और अमेरिका का कोई दिस एक ही हमारा कॉमन एनिमी है, एक ही इन ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग इन अफगानिस्तान, एक कॉमन एनिमी है हमारा और वो है अलकायदा। हाँ, और हम अलकायदा के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, मगर साथ साथ वो TTP के खिलाफ हिंदुस्तान उनके जिगरी दोस्त और एलाई को रोके, ISIS और दाइश को, अगर वो नहीं रोकते वो नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि हम इन लोगों से मार खाते जा रहा तो उनका भी काम करें, तो प्लीज गो बैक, ये लो मेरी गाड़ी है, चले जाए एयरपोर्ट। सही, आप होना चाहिए हिंदुस्तान और अमेरिका। तो मैं जैसे मैंने कहा, मैंने 5 टेरर ग्रुप्स को नेम किया था और उन 5 में से एक है अलकायदा, जिसमें हमारा और अमेरिका का कोऑपरेशन है टू एलिमिनेट, इंडिया का उसमें भी नहीं है, और दूसरों को तो इंडिया बना दे रहा है यार। 3 कैंप्स हैं इस वक्त, 300 लोग ISIS की ट्रेन हो रहे हैं, और हमारे इंटेलिजेंस वो डोसिए पड़े ना जो दूसरा डोसिए हुए हैं, किधर ट्रेन हो रहे हैं, कैसे ट्रेन हो रहे हैं, कैसे उनके क्या सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सर फुल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे बचा हुआ है? इसलिए कि अमेरिका ने बचाया हुआ है, तो बाइडन ने उसको कोऑप्ट किया चीन के खिलाफ। भाई आजकल तो यू नो आई मीन देखिए, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जंग चाहिए, और जब तक एक अच्छा एनिमी ना हो तो फिर फायदा नहीं है उनको पैसे खर्चना इस कॉम्प्लेक्स को रखने, और इस कॉम्प्लेक्स को रखना इसलिए जरूरी है। पहले आपने $10,000 इन्वेस्ट किया था बोइंग में, तो इस वक्त आपके वो $10,000 $1,00,000 हो गए, हो चुके होते। आज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन वॉर, 14 साल है, 200 साल अमेरिका का हिस्ट्री में सिर्फ 14 ईयर वॉर,
आपको क्या मैं बताऊं, आइजनहावर ने 1951 में तो वो किया था पब्लिकली, बी केयरफुल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये तबाह कर देगा आपको, पढ़े वो स्पीच उसका। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक फिर एक ये हम समझे कि नया ब्लॉक बन रहा है इस खत्ते में और वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो कल की खबर आ रही थी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया ने इधर साउथ चाइना सी में उतारी है, अगरचे इसमें हथियार तो कन्वेंशनल होंगे बट इट कैन कैरी न्यूक्स, तो ये चाइना के साथ पंगा करने के लिए, तो इधर जो ये ब्लॉक बन रहा है जिसमें अमेरिका और इंडिया शामिल नहीं है, तो ये फिर एक नया ब्लॉक है इस खित्ते में, हम इसे ये समझ लें कि अब आगे जाके ये कोई भी सूरत अख्तियार कर सकता है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान और ये तो इधर स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पाकिस्तान में इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहते, स्टेबिलिटी ना हो तो पाकिस्तान की फ्यूचर ठीक नहीं है, इकोनॉमिक फ्यूचर डिजास्ट्रस है, सीपेक खत्म है, बीआरआई खत्म है, चीन का जो इतना एडवांटेज आता है ग्वादर के थ्रू वो नहीं होगा। गुड लॉर्ड, ये तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इधर पीस ना हो, ट्राई करेंगे इलाके को। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अभी से बात हो रही है कि वो शायद वापस जाए अफगानिस्तान में, आने तो दें उनको, नंबर वन। दूसरी बात ये है वो कहते हैं फिर अलकायदा, अरे अच्छा फिर अलकायदा अफगानिस्तान में जाके प्लान करेगा, मगर अलकायदा की प्लानिंग तो अमरीका में हुई थी समी साहब, आप तो अमरीका ठीक तरीके से जानते हैं। वो जो सऊदी 19 सऊदी थे वो तो अमेरिका में सब चीज प्लानिंग हुई है, सही बात है। वो अलकायदा तो इधर आया था वो पना लेने के लिए आफ्टर 9/11। ये पागल हो गए नहीं है कि वो अमेरिकन जो जॉइंट चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ माइली ने चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल को फोन करके कहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि ये बुश थोड़ा पागल, ये सॉरी क्या नाम है उसका, ये ट्रंप पागल हो गया है आधा, तो मेहरबानी से ये मत समझे कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज देखा और आपको शुबा हो कि ये क्या हो रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा प्रेसिडेंट, ये तो खैर उसने नहीं कहा कि हमारा प्रेसिडेंट, मगर ये पूरा किताब वुडवर्ड ने लिखा है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पेरल जी, आज दो चार दिन पहले छपी हुई है, उसे पढ़े तो सही जी, तो ऐसा लिखा गया।